मेरे ख्याल से पेस ऑफ टाइम की जेई भी रहेगी अपनी रहने की, थोड़ा स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे यहाँ से अपन, है ना। जरा आप 1 महीना थोड़ा थोड़ा दम से लिया मैंने, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अपने। चलो और कोई बात नहीं, स्टार्ट करो। तो हम ये थ्योरम कहते हैं यहाँ पे, थ्योरम में क्या क्या था देखो, एकदम वेरी सिंपल वन। मेरे ख्याल से आपका थ्योरम तो प्रूफ हो गया था, तो अभी अपन इसको रिवाइज करेंगे। ओके, व्हाट इज थ्योरम नंबर 2 है, वेक्टर का थ्योरम नंबर 2 क्या होता, कि अगर से ए बार बी बार नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है और एक वेक्टर आर बार इज कोपैरल विद ए बार एंड बी बार, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1 t2 सच दैट आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार। तो सबसे पहले यहाँ पे तुमको मैंने वर्ड बताया था पहले थ्योरम में, जब भी दोनों के बीच में इफ एंड ओनली नहीं पाएगा तो ये हम थ्योरम को क्या करेंगे, दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। दो पार्ट में प्रूफ मतलब पहला पार्ट रहेगा ओनली इफ पार्ट। तो ओनली इफ पार्ट में क्या करेंगे, हम ये कंडीशन लेंगे कि कोई वेक्टर आर बार अगर से कोप्लानर है ए बार और बी बार के साथ, तो हमको दिखाना पड़ेगा आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार। ये पहली कंडीशन, मतलब अगर से आर बार कोप्लानर है ए बार बी बार के साथ, तो हमको दिखाना पड़ेगा आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार। ये फर्स्ट कंडीशन ओनली इफ पार्ट में, जैसा हो गया अपना रिवाइज करने पर। और दूसरा पार्ट जो है इट इज सेड टू बी द इफ पार्ट। इफ पार्ट में क्या करते हैं अपन, सेकंड कंडीशन मतलब जैसे कि आर बार इज इक्वल टू t1 ए बार प्लस t2 बी बार, ये कंडीशन लेके हम बताएंगे कि आर बार क्या है, ये दोनों के साथ क्या है, कोप्लानर है। तो सबसे पहले ये सवाल में आया कि कोई भी थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ अगर से है तो हमको उसको दो पार्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। पहला है ओनली इफ पार्ट। ओनली इफ पार्ट मतलब क्या, फर्स्ट कंडीशन इज डिपेंड ऑन द सेकेंड वन। ओके, बट इज ओनली इफ पार्ट मतलब एक पार्ट में फर्स्ट पार्ट कंडीशन, जैसे यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, बेसिकली कि ए बार बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। नॉन कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कोई दो वेक्टर्स ए बार बी बार ऐसे है, एक वेक्टर ऐसा है ए बार तो एक दूसरा वेक्टर बी बार ऐसा है, और अगर से कोलिनियर अगर से रहेंगे तो ये एक तो एक के पीछे एक रहेंगे, ऐसा एक ही लाइन पे रहेंगे, है ना। या फिर दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल, जैसे ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, दूसरे को क्या रहेंगे, पैरेलल। तो ये कंडीशन है, फिलहाल ये दोनों वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर्स कैसे है, नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है, अब वेक्टर आर बार इनके साथ कोई वेक्टर आर बार है, ये वेक्टर आर बार है, सबको दूसरे वेक्टर आर या पूरी दिन से ये वेक्टर आर बार, ये वेक्टर बी बार और ये वेक्टर बी बार के कैसा है, कोप्लानर है। अब वेक्टर आर बार इज कोप्लानर विद ए बार बी बार, मतलब जो तो देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स t1 t2, इसमें कोई दो स्केलर t1 t2 ऐसा है कि अपन इसको मेथड से फिर आर बार को, आर बार अगर से दोनों वेक्टर के साथ क्या है, कोप्लानर है, तो आर बार को हम कह सकते हैं t1 ए बार प्लस t2 टाइम्स बी बार, मतलब आर बार को हम कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर के कह सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में। ये दो से टर्म्स पहले तुमको स्टार्टिंग में बेसिक से बताया, देखो वन बाय वन, अगर से 2 दिन का गैप हो गया हमने, बस कुछ टर्मिनोलॉजी तुम बोल गए होंगे तो मैं याद दिलाता हूँ। देखो सर भाई, सबसे पहले याद रखना चाहिए चैप्टर के लिए सबसे पहले कोप्लानर वेक्टर्स क्या है, मतलब डेफिनेशन डेफिनेशन कोप्लानर वेक्टर्स मतलब क्या, टू और मोर वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन, सच वेक्टर्स आर सेड टू बी द कोप्लानर वेक्टर्स। ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन में है या फिर पैरेलल प्लेन में है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, ये प्लेन में ये वेक्टर ए बार, ये वेक्टर बी बार और ये वेक्टर सी बार, ए बार बी बार सी बार, इन तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, तो ये क्या है, कोप्लानर वेक्टर है। या फिर और एक आधा ये प्लेन को एक आधा कोई पैरेलल प्लेन है और इसमें एक आधा वेक्टर डी बार और एक आधा वेक्टर ई बार है, तो ये भी क्या है, इसको डी बार और ई बार को भी क्या बोलेंगे आपको, इट इज सेड टू बी द कोप्लानर वेक्टर। व्हाई, बिकॉज दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस वन, ये प्लेन की क्या है, पैरेलल है, तो इसमें रहने वाले वेक्टर्स भी क्या है, कोप्लानर है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, कोप्लानर वेक्टर मतलब क्या होता है, कि ऐसे वेक्टर्स और टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स
lie in the same plane, AT plane में रहेंगे या फिर parallel plane में रहेंगे, then such vectors are said to be the coplanar vectors. ये definition होगी. मगर mathematics की भाषा में coplanar vectors कब coplanar है? अपन कैसा बोलेंगे कि vector coplanar है? कुछ condition होगी ना? कि कोई vectors अगर से वो condition satisfy करते होंगे, तो हम बोलेंगे वो क्या है? Coplanar है. तो क्या condition है? कि समझो, for example, हमने बोले कि ये प्लेन में तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है. तो मैथमेटिक्स की भाषा में हम कैसे बताएंगे कि ये कोप्लेनर है? हमको क्या बताना पड़ेगा? कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी. ऐसी क्या कंडीशन है कि हम बोलेंगे ये वेक्टर कोप्लेनर है? तो कंडीशन क्या है कि ये तीनों वेक्टर में से, कंडीशन क्या है, आउट ऑफ दिस थ्री वेक्टर वन वेक्टर, कोई एक वेक्टर आउट ऑफ दिस थ्री वेक्टर, एनी वन ऑफ द वेक्टर, कोई एक वेक्टर क्या करेगा, बाकी दो वेक्टर के क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन. और फिर से तुम्हारे पास एक कंसेप्ट है. तो सबसे पहले ये देखो, व्हाट इज मीन बाय लीनियर कॉम्बिनेशन. तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर मतलब क्या, समझो अपने पास नंबर ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल है, ए वन बार, ए टू बार, ए थ्री बार एंड सो ऑन. और समझो अपने पास स्केलर है, क्या स्केलर है, एक्स वाई जेड, पहले तीन वेक्टर्स का. तो दिए वाले वेक्टर्स और ये स्केलर्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एडिंग एंड मल्टीप्लाई, मतलब कैसा, एक्स इंटू ए वन बार स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, बीच में प्लस, दूसरा स्केलर वाई, वाई इंटू ए टू बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, प्लस तीसरा स्केलर जेड इंटू कितना, ए थ्री बार. तो ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे तुम, दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. तो शॉर्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या, दिए वाले वेक्टर्स और स्केलर्स दोनों का मल्टीप्लीकेशन और उनके एडिशन, मतलब एक्स इंटू ए वन बार प्लस वाई इंटू ए टू बार प्लस जेड इंटू ए थ्री बार. तो ये कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम, इट इज सेड टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स. तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर से तुम्हारे समझा होगा, तो उसके बाद क्या बता रहा मैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कंडीशन थे कि ये वेक्टर्स एक प्लेन में है, मतलब को प्लेनर है, ऐसा हम कब बोल सकते हैं, जब तीनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर बाकी दो वेक्टर्स से क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब कैसा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सपोज किया कि वेक्टर सी बार, ये वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में. तो हम कैसा बताएंगे, सी बार इज इक्वल टू, तो इधर स्केलर्स लो, हम जो मैंने स्केलर कह लिया एम और एन, तो कैसा बताना पड़ेगा मेरे को, एम ए बार स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस n into क्या b बार स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर. तो तीसरा वेक्टर बाकी के दो वेक्टर के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन. लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर प्लस स्केलर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, ऐसे कॉम्बिनेशन में है तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर. उस तरीके से c बार को नहीं, किसी को लग रहा हमको b बार बताने का, तो b बार ही बता सकते, कैसा होता है कि b बार इज इक्वल टू कैसा, स्केलर मल्टीप्लाई बाय दैट वेक्टर, मतलब क्या, एम ए बार प्लस दूसरा वेक्टर क्या है, सी बार, तो एन सी बार. अब हम क्या बोल सकते हैं, ये वेक्टर बी बार, वेक्टर ए बार और वेक्टर सी बार के क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन में. ओके, सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि वेक्टर ए बार इज इक्वल टू क्या बता सकते हैं, बाकी दो लीनियर कॉम्बिनेशन, एम बी बार प्लस एन सी बार. Again, we can say that this vector A bar is the linear combination of the vector B bar and C bar. This one. So, ये होगा तुम्हारे पास coplanar की condition. कोई भी vector coplanar है, ऐसा हम कब बोल सकते, जब कोई तीनों में से कोई एक vector बाकी के दो vectors का क्या होना चाहिए, linear combination. Linear combination मतलब scalar multiply by vector, scalar multiply by vector. B bar is a linear combination of A bar and C bar. So A, B, C are coplanar. Vector A bar is a linear combination of B bar and C bar. So A, B, C are coplanar. तीनों में से एक coplanar क्या होते हैं? ये बताए तो भी चलेगा, ये बताए तो भी चलेगा, ये बताए तो चलेगा. तीनों एक दूसरे के और में है, कोई एक लेके अगर से हम बताएंगे तो वेक्टर्स क्या रहेंगे, coplanar रहेंगे. तो एकदम क्लियर हो गया coplanar वेक्टर्स मतलब क्या, सारी डेफिनेशन सिंपल डेफिनेशन क्या, सबसे पहले two or more vectors lie in the same plane, then such vectors or parallel plane, such vectors are said to be the coplanar vectors. उसके बाद what is the condition for coplanarity? ऐसी कौन सी condition है जब हम बोलेंगे vector coplanar है?
कि अगर से कोई एक वेक्टर तीनों वेक्टर में से बाकी दो वेक्टर का क्या रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन, तब वो वेक्टर्स क्या रहेंगे कोप्लानर वेक्टर्स। जब आ जाओ फिर अभी थ्योरम पे, तो थ्योरम के हिसाब से क्या बताया था, अब थ्योरम को समझ लो कि सबसे पहले मैंने क्या बताया कि बीच में वर्ड इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या रहता, हमेशा थ्योरम को दो पार्ट में प्रूव करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये है कि ये तो जनरल इंफॉर्मेशन दी वाली है कि ए बार बी बार कैसे है नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर मतलब ना वो एक दूसरे को पैरेलल है ना वो एक के बाद एक है, तो कैसा होगा एक वेक्टर ए बार ऐसा होगा तो दूसरा वेक्टर बी बार ऐसा होगा नॉन कोलिनियर। ऐसा अगर से है तो क्या बोल रहा बता रहा कि कोई वेक्टर आर बार जो कि कोप्लानर है ए बार और बी बार के साथ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे मैंने तुमको बताया कंडीशन कैसी होंगी, ये जैसे दो वेक्टर एक वेक्टर ए बार और ये वेक्टर बी बार, तो कंडीशन के साथ क्या एक वेक्टर आर बार इनके साथ कैसा है कोप्लानर है, मतलब जो प्लेन में ए बार और बी बार है, तो ये प्लेन में ए बार और बी बार है, तो ये प्लेन में तीसरा वेक्टर आर बार है, दिस वन थर्ड वेक्टर इज नथिंग बट आर बार जो कि ये दोनों के साथ क्या है कोप्लानर है। तो ऐसा अगर से है तो इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर टी वन एंड टी टू, ऐसा अगर से है तो इसमें दो स्केलर टी वन एंड टी टू, ऐसा हुआ कि जो आर बार है ये बाकी दो वेक्टर के क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो कैसे लिखेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब कैसा आर बार इज इक्वल टू तो उसके स्केलर स्केलो बोला टी वन टी टू, तो कैसे लिखेंगे स्केलर टी वन मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस स्केलर दूसरा स्केलर क्या बोला टी टू मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर, तो ये कंडीशन के हिसाब से हम बोल सकेंगे ये वेक्टर आर बार ए बार और बी बार के कैसा है लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो दो स्केलर टी वन टी टू अगर से है तो टी वन मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वेक्टर प्लस स्केलर टी टू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वेक्टर, तो हमको पहले ये बताने का है कि आर बार अगर से इनके साथ कोप्लानर है तो हमको ये बताने का है कि आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार, आर बार अगर से कोप्लानर है तो आर बार इनका क्या है लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ये पहली कंडीशन। दूसरा क्या है इफ एंड ओनली इफ अगर से उल्टा उसका कॉन्वर्सली, कॉन्वर्सली मतलब उसका उल्टा, उल्टे में क्या होता है ये r बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार है, समझो r बार अगर से a बार और b बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो वेक्टर्स कैसे हैं कोप्लानर है, देखो आपके दिमाग में रखो पहले क्या बता रहे हैं वेक्टर अगर से कोप्लानर है तो ये कंडीशन बता रहे r बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार लीनियर कॉम्बिनेशन में, उल्टा कैसा ये अगर से लीनियर कॉम्बिनेशन में है इसका मतलब वेक्टर क्या है कोप्लानर है, तो ऐसे दो पार्ट में प्रूव करेंगे इफ पार्ट और दूसरा कौन सा पहला पार्ट है ओनली इफ पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है इफ पार्ट, और इसमें एक वर्ड यूनिक आया तो ये थ्योरम को हमको यूनिकनेस में बताना पड़ेगा, मतलब टोटल तीन पार्ट, पहले ओनली इफ पार्ट, दूसरा इफ पार्ट और तीसरा क्या यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब क्या है कि जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्वायर कोई टी वन टी टू लिया तो किसी के दिल में टी वन टी टू की जगह वो एम एन ले सकता, एक्स वाई ले सकता, जो भी एबीसीडी में लेटर्स है वो ले सकता, तो यहाँ पे अगर से तुम स्केलर्स बदलेंगे तो रिजल्ट नहीं बदलने वाला है, रिजल्ट हमेशा क्या रहेगा वेक्टर आर बार इनके क्या रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेगा, यही अपने को बताने का है। यूनिकनेस मतलब क्या कि कभी हमने स्केलर बदल दी तो स्केलर बदलने पर भी वही कंडीशन आएगी, मतलब वो क्या रहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में रहेंगे, ये हम बताएंगे। तो एक्चुअली ये थ्योरम को कितने पार्ट में प्रूव करेंगे, तीन पार्ट में, ये वर्ड इफ एंड ओनली इफ आया इसका मतलब इसके दो पार्ट ओनली इफ पार्ट और इफ पार्ट, और ये वर्ड यूनिक आया मतलब इसका क्या बताएंगे यूनिकनेस, यूनिकनेस मतलब यदि हम स्केलर बदलते हैं तो स्केलर बदलने से कंडीशन पे नहीं बदलेंगी, कंडीशन वही रहेगी से, तो हम अब वन बाय वन प्रूफ करेंगे। ठीक है मैंने समझा दिया, ऐसा ये पहली बार भी हो गया था मगर एक्चुअल दो दिन का गैप हो गया इसलिए मैंने इसको रिवाइज कराया है, तो चलो आप हम इसके प्रूफ पे जाएंगे। सबसे पहले प्रूफ पे जाने से पहले और जो बच्चे नए हैं जिसको मालूम नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मल्टीस्मिल बाय कोलिनियर वेक्टर्स ये सबको होने वाला है, बेसिक में दो वेक्टर ए बार और बी बार कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब फॉर्मूला, कोलिनियर मतलब कैसा देखो एक तो ये वेक्टर ए बार है, वेक्टर ए बार के कोई पैरेलल में दूसरा वेक्टर बी बार है तो हम बोलेंगे ये वेक्टर क्या है कोलिनियर है, तो ऐसा। दूसरा या फिर वेक्टर ए बार के बाद दूसरा वेक्टर बी बार कंटिन्यू,
अभी भी ये दो वेक्टर एक ही लाइन में मतलब क्या है कोलिंग है। और तीसरा मतलब दो वेक्टर ए बार और बी बार, दो वेक्टर ए बार और बी बार ये कोलिनियर है। जैसे कि अपन ने कोप्लैनर बताया था कंडीशन कि कब बोलेंगे हम तीन वेक्टर्स कोप्लैनर है, तो वैसा कब बोलेंगे हम ये दो वेक्टर्स कोलिनियर है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन ये है कि कोई भी एक वेक्टर यदि दूसरे वेक्टर के क्या रहेगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, जैसे क्या ये a बार इज इक्वल टू t टाइम्स b बार, तो t क्या है स्केलर है और b क्या है वेक्टर है, तो वेक्टर a बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर b बार, सो यू कैन से दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। या फिर दूसरा वेक्टर b बार ये पहले वेक्टर के क्या है लीनियर फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन में, b बार इज इक्वल टू t टाइम्स a बार। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब t एक स्केलर है और b एक वेक्टर है, तो वेक्टर b बार इज नथिंग बट इट इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर a बार, वेक्टर b बार इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद द वेक्टर a बार, सो वेक्टर a बार एंड वेक्टर b बार आर कोलिनियर। अगेन सिंपल वन, ये दो वेक्टर a बार और b बार अगर से है तो इसमें से ये वेक्टर a बार इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर b बार, वेक्टर a बार इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद वेक्टर b बार, so you can say that vector a bar and b bar are collinear। so ये definition है collinear। confuse मत हो, coplanar में तीन vector में से एक vector बाकी के दोनों का क्या रहेगा linear combination में, और collinear में क्या condition रहेगी एक vector दूसरे vector का क्या रहेगा scalar multiplication में। इस तरीके से एक vector दूसरे vector का क्या रहेगा scalar multiplication। तो ये तुमको मैंने बता दिया, proof करने से पहले चलो अब हम सब प्रूफ करेंगे। सबसे पहले इफ एंड ओनली इफ है तो इसके दो पार्ट में, तो पहला पार्ट क्या है ओनली इफ पार्ट, सॉरी पहला क्या है ओनली इफ पार्ट, तो ओनली इफ पार्ट में क्या देखेंगे, तो ओनली इफ पार्ट में हम क्या देखेंगे कि कोई वेक्टर आर बार ये कोप्लैनर है ए बार और बी बार के साथ, तो ये बताएंगे हम पहले ओनली इफ पार्ट में। और इफ पार्ट में क्या बताएंगे इसका उल्टा, ये लेके हम क्या बताएंगे वेक्टर आर बार क्या है कोप्लैनर है ए बार बी बार से, ऐसा होता है। सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लो, ए बार बी बार आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, यहां क्या आएगा कि कुल दो वेक्टर ए बार और बी बार है, ये इसका ओरिजिन, ये वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार ये होंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। अ वेक्टर आर बार इज कोप्लैनर विद ए बार बी बार, कोई एक वेक्टर आर बार है ना, इसका नाम लिखो पी, ठीक है, ये क्या हुआ तुम्हारा ये ओ ए है, इसका वेक्टर क्या है ए बार पोजिशन वेक्टर, ये क्या है वेक्टर ओ बी है इसका पोजिशन वेक्टर क्या है बी बार विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, और ये वेक्टर क्या है ओ पी बार है इसका पोजिशन वेक्टर क्या है आर बार है, तो वेक्टर आर बार वेक्टर ए बार और वेक्टर बी बार के कैसा है क्या है कोप्लैनर है, मतलब ये एक ही प्लेन में तीनों वेक्टर क्या है एक ही प्लेन में, तो हमको क्या बताने का है सिर्फ थ्री पार्ट ही तुमको थोड़ा टाइम लगेंगे थ्री पार्ट को, इसके प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, और ये थ्योरी पार्ट अपन डिटेल में इसलिए ले रहे हैं, हर थ्योरम को उससे डिटेल में ले रहे हैं कि ये थ्योरम का हमको कहीं ना कहीं इसका एप्लीकेशन आगे भी यूज में है, तो ये थ्योरम तुमको समझेंगे तो उसका एप्लीकेशन अपन आगे यूज कर सकते हैं, है ना। जेई में भी इसका एप्लीकेशन है, थ्योरम इसका एप्लीकेशन है, थ्योरम तो प्रूफ के लिए आते जाएंगे मगर इसके जो एप्लीकेशन है इसके जो रिजल्ट है ये तुमको जेई में यूज है, इसलिए ज्यादा डिटेल में लिया। देखो तुम अभी तक के पूरे लेक्चर्स वेक्टर से देखो बहुत डिटेल में ले आते हैं जेई के हिसाब से, पूरी थ्योरी जेई के हिसाब से, तो जिसके लेक्चर्स गए वाले हैं वो पिछले रिकॉर्डिंग देखेंगे वेक्टर्स, और जिसका देख लिया जिसने भूल गया और रिवाइज करेंगे वेक्टर्स, अभी भी कुछ नहीं गया वेक्टर्स अभी स्टार्टिंग लेवल पे ही है ना, और थोड़ा आगे चलेगा तो फिर भूल जाएंगे, इसलिए जिस किसी का भी हो गया उसने पहले वेक्टर्स का रिवाइज करो तो टच में आएगा और उसको आगे का पार्ट समझेगा। ये थ्योरी अपन इसलिए ले रहे हैं कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और सीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन सुन सकते, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल है, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, सिर्फ इसकी थ्योरी में थोड़ा तुमको कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा और इसके थ्योरम्स तुमको थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं।
तो देखो पहली कंडीशन हमने क्या करते थे, चार बार ये कोक लेना है मीन्स ए बार एंड बी बार। नाउ वी वांट टू शो दैट, हमको क्या होता है क्या वो थ्योरी में लिखेंगे, तो वी वांट टू शो दैट टेक्स्ट बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में वी वांट टू शो दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स टी वन टी टू सच दैट आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार। कि हमने पहले ये कंसिडर करें कि आर बार ए बार और बी बार के साथ कोक लेना है और हमको दिखाने का है, एंड वी वांट टू शो दैट क्या दिखाने का है, इसमें दो स्केलर्स टी वन टी टू ऐसे हैं कि इनके साथ आर बार कैसा है लीनियर कॉम्बिनेशन में, ये दिखाने का है। ठीक है, तो उसके लिए वो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो लाइन है इसका नाम देखो पी एम। तो एक्चुअली जो पी एम है ये किसके पैरेलल है, वेक्टर ओ बी बार के पैरेलल है, वेक्टर ओ बी बार के क्या है ये पैरेलल है। उसके बाद ये जो है PM किसके पैरेलल है, वेक्टर ओ बी बार। उसी तरीके से सिमिलरली ये पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करो, इसका नाम दो PN, और ये PN किसके पैरेलल है, वेक्टर OA बार के क्या है पैरेलल। ऐसा हम क्या करें, ये पॉइंट P से एक लाइन ड्रॉ करें जो किसके पैरेलल है, वेक्टर OB बार के। उसी तरीके से P से एक लाइन ड्रॉ करें वेक्टर B बार पे, इसका नाम दे दिया अपने PN जो किसके पैरेलल है, वेक्टर A बार के। अब देखो ऐसा करने से, देखो और एक बार क्वेश्चन देखो, ऐसा करने से क्या हो गया, सबसे पहले ये देखो कंडीशन, सबसे पहले आपने ये यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लेते क्या हो गया, पहले ये वेक्टर OA था, अब इस पर क्या होगा M एक पॉइंट आ गया, पीछे जो पॉइंट ड्रॉ करें तो वेक्टर ये पे ये पॉइंट आ गया M आ गया। तो अब एक्चुअल यहाँ पे कितने पॉइंट हो गए, तीन पॉइंट हो गए, कौन कौन, O, M और A, और ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन में, इसका मतलब क्या है कोई नहीं है। तो सबसे पहले ये कंडीशन देखो, पी से एक लाइन जो कि OB के पैरेलल है और वो कहाँ पे है, वेक्टर ए पे है। ऐसा करने से वेक्टर ए पे जो है तुम्हारे पास तीन पॉइंट मिले, एक मिला ओ, एक मिला एम और एक मिला ए। तो ये तीन पॉइंट्स जो है ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे है। तो ये अगर से कोलिनियर है तो हम बोलेंगे देखो वेक्टर OM बार, वेक्टर OM बार एंड वेक्टर OA बार आर, कैसे वेक्टर आर कोलिनियर, रहे वाले वेक्टर्स भी क्या है कोलिनियर है। इसमें कितने वेक्टर्स बनेंगे, दो वेक्टर, एक कौन सा वेक्टर OM और एक वेक्टर कौन सा OA। तो ये दो वेक्टर्स OM और OA कैसा है कोलिनियर है। अपने तुम कभी डेफिनेशन बताए, जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर है, OM बार एंड OL बार आर कोलिनियर, तो भी कैसे है डेफिनेशन क्या है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या रहेगा लीनियर कॉम्बिनेशन, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, समझा होगी मैं, देखो देयर एग्जिस्ट, सॉरी देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, वो क्या है स्केलर x ले लो, क्या यहां पे स्केलर का लिया और t1, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर t1 सच दैट ओया ओए इज कोलिनियर है, कोलिनियर अगर से है तो इसमें किसके लिए टी वन ऐसा है सच दैट एक वेक्टर OM बार इज इक्वल टू ये वेक्टर के क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में टी वन इनटू क्या बड़े, तो OM बार एज इट इज टी वन एज इट इज, अपन को मालूम है OA बार का पोजीशन वेक्टर, OA बार का पोजीशन वेक्टर कितना है स्मॉल ए बार, देखिए अपना टी वन इनटू ये तुम्हारे पास क्या है OM बार, ऐसा करने से बी वेक्टर ओबी पे कितने पॉइंट हो गए, दो पॉइंट, तीन पॉइंट हो गए ओ एन बी, और ये तीनों की तीनों क्या है कोलिनियर, ये अगर से कोलिनियर है तो इसके रहने वाले दो वेक्टर्स क्या है कोलिनियर, कौन कौन सा वेक्टर है ओ एन और एक कौन सा ओबी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सेम कंडीशन जैसा OM OA कोलिनियर थे उसी तरीके से यहाँ पे OM और OB क्या है कोलिनियर है। तो इसको मिटा देंगे अपन, तो ये बताया वाला है सिर्फ समझा के देना अपन यहाँ। तो अब सेकंड कंडीशन में पी से ये पॉइंट निकालने से ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे हो गए, इसलिए दो वेक्टर्स कोलिनियर है। तो नाउ OM बार
सबसे पहले हम ओएम आर की वैल्यू देंगे, इसका यूज आपके ओएम आर कितना निकालना पड़ेंगे, टी वन टाइम्स के बार, ठीक है। नाउ ओएम बार एंड कौन सा वेक्टर, ओ बी बार, ठीक है, सेट कोलिनियर है, तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, यहां पे अपन ने पहले इसमें टी वन लिए थे, अब करेंगे अपन स्केलर टी टू लेंगे, टी टू सच दैट वेक्टर ओएम बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ दूसरा वेक्टर क्या, ओ बी बार। तो ओएम बार इज इक्वल टू कितना आ गया, टी टू टाइम्स ओ बी बार का पोजिशन वेक्टर इन द रिमोट फॉर बी बार, ओके। तो हमने क्या किया, यहां पे ओएम बार भी हमारे पास आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओएम बार, ओएम बार इज इक्वल टू टी टू टाइम्स बी बार। तो आप इसको अगर स्ट्रेचिंग है अपन देखो, उसको मैं ज्वाइन करता है यहां से, यहां से देखो ये हमने ज्वाइन कर लिया, दिस वन एंड दिस वन, ऐसा करने से तुमको क्या दिखता, ये दिखा पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम, इसका पैरेललोग्राम का नाम क्या है, ओ एन पी एफ, या फिर ओ एम पी एन ओ, तो ये क्या होगा पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम अगर से है तो हम क्या लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ रिक्टर एडिशन क्या होता है, कि कोई भी पैरेललोग्राम में, कोई भी पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम का डायगोनल, डायगोनल कौन सा है, ओपी, क्या करता, बाकी के एडजेसेंट साइड का सम रिप्रेजेंट करता। तो ये इसके एडजेसेंट साइड कौन सी, एक है ओए, सॉरी एक है ओएम और एक कौन सा है ओएम, ये दोनों से क्या रहेगा वो थर्ड डायगोनल, मतलब डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज नथिंग बट इट इज द सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड। तो इसके हिसाब से अपन क्या बोलेंगे यहां पे, सम ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, मतलब by using parallelogram of rectangular addition, diagonal OP bar is equal to sum of its adjacent side. तो पहली adjacent side क्या, OM bar, ये एक adjacent side और दूसरी side क्या, plus OM bar। तो बोलो OP bar का position vector R bar, OM bar तुमने fresh निकालने वाला है P1 times A bar, OM bar भी तुमने निकालने वाला है, कितना निकाले, P2 times, और आई थिंक अपने को ये रिजल्ट लिखा गया था, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू टाइम्स बी बार, वो यहाँ है देखो, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू टाइम्स बी बार, ये आ गया पहला पार्ट। कौन सा पार्ट, ओनली इफ पार्ट में हमने क्या करें, वेक्टर आर बार अगर से कोप्लानर है ए बार और बी बार, ये कंस्ट्रक्ट करके हमने क्या बताया, आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू टाइम्स बी बार, ये हो गया ओनली इफ पार्ट। एज हम तो वेरी सिंपल, दो वेक्टर ए बार बी बार नॉन कोलिनियर है, तीसरा वेक्टर आर बार इनके प्लेन में है, जिसका पी से हमने क्या करें, एक लाइन पर निकाले पी एम जो कि ओबी के पैरेलल है, ऐसे करने से यहाँ पे तीन पॉइंट्स है, इसका मतलब दो वेक्टर कोलिनियर है, कौन कौन, ओ एम और ओ ए, तो कंडीशन इस पर इसके लाइन पी वन पे लिया है ओ एम बार। उसी तरीके से पी से दूसरा पॉइंट पी एन निकाले जो कि ओ ए के पैरेलल है, ऐसे करने से यहाँ पे तीन पॉइंट आए, इसके ओ एम वेक्टर ओ एम वेक्टर ओ बी कैसे है, कोलिनियर कोलिनियर है, तो उसमें स्केलर टी टू रहेगा और एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के क्या रहेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगी, ओ एम की वैल्यू निकाले इसमें रखते हैं, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता, कि पैरेललोग्राम का डायगोनल इसके एडजेसेंट साइड क्या रहता, सम, ओ बी बार इज इक्वल टू ओ एम बार प्लस ओ एम बार, ये होगा पहला पार्ट, ओनली एक पार्ट। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे, कौन सा पार्ट, ओनली इस पार्ट के बाद में देखेंगे कि इस पार्ट होंगे, तो आप इस पार्ट में क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले ये होगा दूसरा नाउ सेकंड पार्ट, ये देखिए इस पार्ट में उल्टा, उल्टा मतलब क्या, कि अगर से आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार है, ये लेके हम क्या बताएंगे, आर बार को प्लेनर है ए बार और बी बार के, सेकंड कंडीशन ये कंडीशन लेके हम बताएंगे कि आर बार क्या है, ए बार और बी बार के साथ क्या है, कोप्लानर है, तो कैसे बताएंगे, कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब उल्टा, कन्वर्सली सपोज दैट, मतलब उल्टा कंसीडर करो, कि आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार, उल्टा, कन्वर्सली सपोज दैट आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार, ये कंसीडर के लिए कर लिए अपन, and what we want to show that, and we want to show that, what we want to show that, we want to show that vector r bar
कॉमा वेक्टर ए बार वेक्टर बी बार आर कैसे है वो प्लेयर है, ये होता रहेगा। अगर से ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है मतलब ये अगर से है तो हमको बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर आर बार ए बार और बी बार ये क्या है वो प्लेयर है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो को प्लेयर है हम बताएंगे सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे तुमको बताया हुआ है एज वेक्टर ए बार कॉमा बी बार आर को प्लेयर है ना, क्वेश्चन में तुमको दिया हुआ है स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वेक्टर ए बार बी बार कैसे को प्लेयर है, एज वेक्टर ए बार बी बार आर को प्लेयर है। तो यहाँ पे रहने वाले इसके जो वेक्टर्स है जैसे कि ए बार और बी बार अगर से को प्लेयर है तो इसके जो मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए टी वन ए बार और टी टू बी बार, मतलब अगर से हम इसको जैसे कि वेक्टर ए बार और बी बार अगर से को प्लेनर है तो अगर से हम इसको यदि हम इसको कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो भी क्या आएंगे को प्लेनर। बात को समझो, ए बार बी बार अगर से दो वेक्टर को प्लेनर है जो कि दिया वाला है तो ये वेक्टर्स को हम कोई स्केलर कोई नंबर से मल्टीप्लाई, स्केलर मतलब क्या कोई नंबर, वो नंबर कैसे रहना चाहिए नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के। तो ये अगर सब दो वेक्टर स्कोप में रहते हैं और हमने इसको कोई स्केलर समझो मैंने इसको स्केलर कह लिया टी वन, टी वन से मल्टीप्लाई करा तो ये होगा टी वन ए बार और इसको टी टू से मल्टीप्लाई करा टी टू बी बार, तो टी वन ए बार और टी टू बी बार भी क्या रहेंगे स्कोप में है ना। स्केलर से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेक्टर अगर से स्कोप में रहे तो उसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी क्या रहेंगे स्कोप में रहेंगे। तो अपन वही बोले एज ए बार बी बार आर को प्लेनर कॉमन से को प्लेनर है तो कॉमन टी वन ए बार कॉमन टी टू बी बार इसको अगर से स्केलर मल्टीप्लाई करें अपन आर आल्सो को प्लेनर आर को अगर से ए बार बी बार को प्लेनर है तो उसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाले टी वन ए बार टी टू बी बार भी क्या है को प्लेनर है। Therefore, ये को प्लेनर है तो therefore, इनके एडिशन टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार ये को प्लेनर है तो इनके एडिशन भी क्या रहेगी को प्लेनर, राइट है। देयरफॉर टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार इनका एडिशन कॉमा कॉमा क्या ए बार कॉमा बी बार आर को प्लेनर, राइट है। जो बात को समझो उल्टे पार्ट में हमने क्या लिया आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर से है तो हमको बताने का है वेक्टर आर बार वेक्टर ए बार वेक्टर बी बार क्या है को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में। तो जैसे कि हमको दिया वाला है ए बार बी बार अगर से को प्लेनर है इसको हम अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर भी क्या रहेगी को प्लेनर, स्केलर के एडिशन भी करेंगे स्केलर मल्टीप्लीकेशन के एडिशन भी क्या रहेगी को प्लेनर, इसलिए स्केलर मल्टीप्लीकेशन की एडिशन और वेक्टर ए बार बी बार ये क्या है को प्लेनर है। अभी अपन ने पिछले बार देखे कि T1 A बार प्लस T2 B बार इस नथिंग पर इंटीग्रल R बार जिसके अपन क्या बोलेंगे देयरफॉर R बार कॉमा A बार कॉमा B बार R को ये अपन सब दूसरा पार्ट एक पार्ट में ऐसा कोई खास नहीं था तो इसका उस तरीके पर इसको प्रूफ करके होता है सिर्फ इस पे ओनली इफ पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में तो कुछ नहीं उल्टा ही है, इस पार्ट में इसका उल्टा आर बार अगर से टी वन ए बार बी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में है हमको बताना पड़ेगा आर बार ए बार बी बार को प्लेनर है। तो ये बता रहे कि हम क्या बोलेंगे कि हमको ए बार बी बार को प्लेनर ये वाला है, जैसा कि ए बार बी बार को प्लेनर है इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी को प्लेनर रहेगा, इसका मतलब इनके अपन एडिशन करेंगे तो भी क्या रहेगा को प्लेनर, इसका मतलब ये स्केलर की एडिशन ए बार बी बार ये तीनों क्या है को प्लेनर, और जैसे कि हमको मालूम है टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार ये क्या है अपने पास आर बार तो रिप्लेस दैट बार आर बार तो आर बार ए बार बी बार आर को कहना, ये हो गया इसका दूसरा पार्ट इट इज नथिंग बट इफ पार्ट ऑफ दैट पार्ट। देखो एक बार फिर से क्योंकि थ्योरी पार्ट थोड़ी बोर है इसमें वेक्टर में थ्योरी को टाइम लगता है फॉर्म से कुछ भी टाइम लगता है। देखो कन्वर्ट यू सपोज दैट आर बार इज इक्वल टू टी वन ए बार प्लस टी टू बी बार एंड यू वांट टू शो दैट आर बार ए बार बी बार आर को कहना ये को कहना, तो देखिए यहां पे आ जाओ कैसा एज ए बार एंड बी बार आर को प्लेनर दिया वाला है तो इसको अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे टी वन ए बार टी टू बी बार आर आल्सो को प्लेनर ये भी क्या रहेंगे को प्लेनर। अभी तुम्हारे लिए
and also go parallel. So therefore, E1 A bar, T2 B bar, E1 A bar plus T2 B bar. ये अगर सब co-parallel pin की addition भी क्या रहेगी co parallel comma A bar B bar R co parallel तीनों भी क्या होगे co parallel. So replace that T1 A bar plus T2 B bar by R bar B bar room. R bar A bar B bar R also co parallel. ये होगा इसका fourth part if part. आया समझ में. पहले ओनली इफ पार्ट, फिर बाद में क्या इफ पार्ट. अब हमको क्या बताना पड़ेगा, यूनिकनेस. ये थ्योरम में क्या बताना पड़ेगा हमको, यूनिकनेस. यूनिकनेस का मतलब समझा कि अगर से हमने कभी थ्योरम में स्केलर बदल दिया तो थ्योरम नहीं बदलेगा, थ्योरम का रिजल्ट वही रहेगा. तो यहाँ कुछ चेक कर देगा कि थ्योरम बदलता कि नहीं बदलता. तो लेट्स सी ना यूनिकनेस ऑफ दैट का है ना. कल से थोड़ा टाइम बदलेंगे अपन, मतलब टाइम बढ़ाएंगे अपन, 6 से 6:45 सब 6:45 से 2.5 घंटे देख चलेंगे अपन. ठीक है, संडे की वजह से थोड़ा एक ही चलेंगे अपन, कल से मतलब टाइम बढ़ेगा मंडे से. अब इसका हम क्या बताएंगे, यूनिकनेस. यूनिकनेस तो यूनिकनेस में सबसे पहले हमको क्या दिया वाला था, सपोज वेक्टर आर बार प्री कंडीशन है कि अपन यूनिवर्स बताएंगे. सपोज आर बार इज इक्वल टू T1 ए बार प्लस T2 बी बार है ना. ये तो विधि वाला है. सपोज आर बार इज इक्वल टू T1 ए